आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एम आई रेडमी फ़ोन में डिसेबल ऐप को इनेबल कैसे करें, डिसेबल ऐप को वापस इनेबल कैसे करें। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर डिसेबल हो गया है, तो प्ले स्टोर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो प्ले स्टोर को इनेबल कैसे करें या फिर जो ऐप आपके फ़ोन में डिसेबल है उसे इनेबल कैसे करें, तो इसके लिए आप अपने एम आई रेडमी फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद नीचे आइए, नीचे आएंगे तो ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर अब ये मैनेज ऐप्स आएगा, मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपके फ़ोन में जो ऐप डिसेबल है उसे सर्च करिए। जैसे कि हमने ऊपर ये सर्च ऐप पे क्लिक किया तो जो ऐप डिसेबल है वो नाम टाइप करिए। हमने जैसे कि टाइप किया प्ले स्टोर, अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो ऊपर मैनेज ऐप्स में राइट में तीन डॉट पे क्लिक करिए, शो ऑल ऐप्स पे क्लिक करिए। अब सर्च ऐप पे क्लिक करिए, अब उस ऐप का नाम टाइप करिए। तो ये हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर आ गया है। तो ये हमने गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद आएगा नीचे ये इनेबल, तो आप ये इनेबल बटन पर क्लिक करिए। और इनेबल्ड होने के बाद अब चेक करिए आपके फ़ोन में ऐप वापस आ गया है, तो ये प्ले स्टोर इनेबल हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।